हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवानंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गाइडिंग लाइट में। आज हम मैडम क्यूरी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट टू भी नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। 1903 में मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया था। अब इन दोनों को काफ़ी रिसर्च के लिए फंडिंग आती थी और इनका जो रिसर्च था वो जोरों शोरों से चल रहा था। रेडियम और पोलोनियम को अब पूरी दुनिया पहचानने लगी थी, इसीलिए ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो रेडियो एक्टिव पे काम करने वाले थे। उसमें से एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, जो ट्रांसमिशन थ्योरी पे काम कर रहे थे और उनको ऐसे लगता था कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है और इसी प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए रदरफोर्ड सर को रेडियम की ज़रूरत थी, तो रदरफोर्ड सर ने मैडम क्यूरी को रेडियम मांगा और मैडम क्यूरी उनको रेडियम भेजती रहती थी। अब रेडियम और पोलोनियम ये पूरे दुनिया में फैल गया था, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज हुआ कि कुछ लोग थे जो इसको मिसयूज़ कर रहे थे। वो लोग फेक रेडियम बना के लोगों को बेचते थे और लोगों को उसके हेल्थ बेनिफिट बता रहे थे। हालांकि रेडियम के जो इफेक्ट थे वो काफ़ी डेंजरस थे, लेकिन उन दिनों लोगों को ये पता नहीं था। कुछ लोगों ने रेडियम को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ करना शुरू कर दिया, दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे भी थे जो रेडियम को अपने कपड़े में लगाते थे, क्योंकि जो रेडियम था वो नाइट में ग्लो करता था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो रेडियम का लिक्विड पीने लगे थे, उनको ऐसे लगता था कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से रेडियम का मिसयूज होने लगा। कुछ केसेस ऐसे भी हुए कि मैडम को कोर्ट तक जाना पड़ता था। लेकिन रेडियम के साथ काम करने की वजह से पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी इन दोनों का जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा था। अब हालत इस तरह से हो गई थी कि पेरी क्यूरी के पैरों में काफ़ी दर्द रहता था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, ठीक से कपड़े भी पहन नहीं पा रहे थे। इसका मतलब ये था कि पेरी क्यूरी का जो साइंटिफिक करियर है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर था। तब मैडम क्यूरी ने ये सोचा कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए जाए और कुछ दिनों के लिए रिसर्च को थोड़ा सा स्लो कर दिया। 6 दिसंबर 1900 को मैडम क्यूरी को एक लड़की हुई जिसका नाम ईव रखा गया। सोर्बोन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पेरी क्यूरी को प्रोफेसरशिप ऑफर की थी, इसीलिए पेरी क्यूरी ने सोर्बोन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया। एक दिन क्या हुआ, स्वीडिश एकेडमी ने पेरी क्यूरी को बुलाया और पेरी क्यूरी लेक्चर देने लगे और उस लेक्चर में उन्होंने ये बोला कि मैरी क्यूरी इतनी जीनियस है, अगर मैरी क्यूरी नहीं होती तो हम ये आविष्कार नहीं कर पाते थे। और पेरी क्यूरी ने ये भी बोला कि रेडियम का जो यूज़ है वो मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन उनको इस बात का डर भी है अगर रेडियम किसी क्रिमिनल के हाथ में आ गया तो दुनिया का विनाश भी हो सकता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में अब ये छपने लगा था कि पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी एक परफेक्ट कपल है। एक दिन क्या हुआ, 19 अप्रैल 1906 को पेरी क्यूरी को काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स थी, इसीलिए वो सुबह ही घर से निकल गए और उस दिन वो मैडम क्यूरी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाए। और पेरी क्यूरी ने दोपहर में एक मीटिंग अटेंड किया और उस मीटिंग के बाद उनको दूसरी मीटिंग जाना था, इसीलिए वो मीटिंग छोड़ के बाहर आए तो देखा कि बाहर तो बारिश चल रही थी, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, अम्ब्रेला ओपन किया और रोड पे धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन हुआ यूं कि पेरी क्यूरी एक कार के साइड से जा रहे थे और उनको रोड क्रॉस करना था। जब पेरी क्यूरी रोड क्रॉस करने गए तो अचानक से एक घोड़ा गाड़ी सामने आ गई और पेरी क्यूरी डर गए, उनको समझ नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए। उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया, घोड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन दिनों बारिश हो रही थी इसीलिए पेरी क्यूरी स्लिप हो गए और जमीन पे गिर गए। अब पेरी क्यूरी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि जल्दी से उठ पाए। अब ये देख के घोड़ा गाड़ी का जो ड्राइवर था वो भी डर गया, वो इमीडिएटली घोड़ा गाड़ी रोकने की कोशिश किया, लेकिन घोड़ा गाड़ी नहीं रुकी और जो घोड़ा गाड़ी का पिछला चक्का था वो पेरी क्यूरी के सर के ऊपर से चला गया और इस वजह से पेरी क्यूरी की जगह पे ही डेथ हो गई। और ये सब देख के सारे लोग वहां जमा हो गए, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं कि ये नोबेल प्राइज विनर पेरी क्यूरी है। और कुछ लोगों ने उनकी जो डेड बॉडी है वो पुलिस स्टेशन में जाके रख दिया। जब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो पेरी क्यूरी के पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकला, फिर लोगों को पता चल गया कि नोबेल प्राइज विनर पेरी क्यूरी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। पेरी क्यूरी की डेथ की खबर सुनाने के लिए कुछ लोग मैडम क्यूरी के घर पे आए थे, लेकिन उस समय पे मैडम घर पे नहीं थी। उस समय पे पेरी क्यूरी के पिताजी घर पे थे और जब ये बात उनके पिताजी को सुनाई गई तो उनके पिताजी को काफी शॉक हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरा बेटा मर गया। अब इस बात के वजह से उनके पिताजी को समझ ही नहीं रहा था और वो ज़मीन पे बैठ गए और खूब रोने लगे। अब सब लोग मैडम क्यूरी का इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ी देर बाद मैडम क्यूरी घर पे आई और वो जब घर पे आई तब ये न्यूज़ उनको बताई गई। अब ये न्यूज़ सुन के भी उनको भी कुछ समझ में नहीं रहा था और मैडम के मुँह से बस एक ही जवाब निकला, पेरी मर गए।
और इस बात की वजह से उनको अब ये नहीं समझ रहा कि रिएक्ट कैसे किया जाए। उन्होंने तुरंत ही एक रूम में चली गई और वो खुद को बंद करके खूब रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो बाहर खड़ी है। इसीलिए मैडम रूम के बाहर आई और अपने बच्चों का ख्याल करने लगी। मैडम ने क्या किया, अपने दोनों बेटियों को अपने दोस्त के घर में भेज दिया और खुद को एक रूम में बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। अब उनको ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उनका जो जीवन साथी है अब वो नहीं रहा। अब मैडम जीना भी नहीं चाहती थी और रिसर्च तो बहुत ही दूर की बात है। कुछ दिनों बाद जब पेरी क्यूरी को दफनाया गया तो मैडम क्यूरी उनके कब्र के पास बैठी रहती थी और घंटों तक उनसे बात करती रहती थी और खूब रोती रहती थी। अब मैडम क्यूरी बहुत ही बुरे दिनों से गुजर रही थी और वो बहुत ही गंदे डिप्रेशन में फंस चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि मैडम क्यूरी रिसर्च छोड़ देंगी। उन दिनों क्या हुआ, फ्रांस गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि मैडम क्यूरी को पेंशन दिया जाए ताकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। लेकिन जब ये बात मैडम क्यूरी को पता चली तो मैडम क्यूरी ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं अपनी फैमिली को संभाल सकती हूँ, मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद सोर्बन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, जो पेरी क्यूरी के डेथ के वजह से जो प्रोफेसरशिप खाली हो चुकी थी वो मैडम क्यूरी को दी। अब मैडम क्यूरी को ये समझ नहीं रहा था कि ये जो प्रोफेसरशिप है एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जो मैडम क्यूरी के फ्रेंड है उन्होंने बोला कि आप प्रोफेसरशिप एक्सेप्ट कर लो। इसीलिए मैडम क्यूरी ने ये प्रोफेसरशिप एक्सेप्ट कर ली और जिस दिन पहला दिन था सोर्बन यूनिवर्सिटी में उस दिन स्टूडेंट के साथ साथ न्यूज़पेपर वाले मीडिया वाले भी आए थे। सब लोग मैडम क्यूरी को सुनना चाहते थे और क्लास शुरू हुआ तो सबसे पहले मैडम क्यूरी ने पेरी क्यूरी को याद किया और उसके बाद साइंस का लेक्चर लेने लगे। मैडम क्यूरी सोर्बन यूनिवर्सिटी की पहली महिला प्रोफेसर थी। मैडम क्यूरी सोर्बन यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी लेकिन उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और उनके दोनों बेटियों का ख्याल उनके फादर इन लॉ रखते थे। मैडम क्यूरी हालात से तो लड़ी रही थी और उन दिनों और एक समस्या आ गई थी। एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐसा बोल दिया था कि रेडियम जो है ये एलिमेंट नहीं है, ये लीड और फाइव एलियम एटम का कंपाउंड है। तो ये जो बात है उनकी वो न्यूज़पेपर में छप गई और सारे न्यूज़पेपर वाले मैडम क्यूरी को पूछने लगे क्या रेडियम एक एलिमेंट नहीं है। अब इस बात का जवाब कैसे दिया जाए ये मैडम को समझ नहीं रहा था, इसीलिए मैडम लैब में आई और इस पे काम करने लगी। लेकिन और एक समस्या थी, रेडियम जो था ये काफ़ी अनस्टेबल था, इसीलिए इसको हमेशा सॉल्ट के साथ कंबाइन करके रखते थे। अगर रेडियम को सॉल्ट से बाहर निकालने की कोशिश करते थे तो रेडियम डिसअपियर भी हो सकता था। अब मैडम को समझ ही नहीं रहा था कि इस हालत में क्या किया जाए। मैडम ने अपनी कड़ी मेहनत की वजह से एक दिन वो रेडियम सॉल्ट में से रेडियम बाहर निकाला और एक छोटा सा स्क्वायर व्हाइट कलर का रेडियम का मेटल बना चुकी थी। लेकिन ये प्रॉब्लम ये था कि अगर ये व्हाइट मेटल एयर के कांटेक्ट में आता तो ये काला गिर जाता था। लेकिन फाइनली मैडम ने ये कर दिखाया, मतलब मैडम ने पूरी दुनिया को रेडियम को आइसोलेट करके दिखा दिया था और फाइनली मैडम ने वो जो रेडियम का जो मेटल था वो सबमिट कर दिया। अब ये देखकर सारे लोग शॉक हो गए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि रेडियम को सॉल्ट से सेपरेट किया गया था। तो इस वजह से लॉर्ड केल्विन को आंसर मिल चुका था और जो मीडिया थी वो पूरी शांत हो गई थी। और इसके बाद मैडम क्यूरी का नाम बहुत ही हो गया था, मतलब मैडम एक केमिस्ट्री फील्ड की महान साइंटिस्ट बन चुकी थी। 1910 में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस है उसमें एक फिजिसिस्ट की पोजीशन खाली है। तो उसके लिए क्या होता था, एक इलेक्शन होता था। तो मैडम क्यूरी ने भी इस इलेक्शन के लिए अप्लाई किया। अब मैडम क्यूरी को लगा कि वो एलिजिबल है, उनको ये सीट मिल जाएगी, क्योंकि अगर कोई फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस का मेंबर होता है तो उन्हें काफ़ी फंडिंग भी मिलती है। लेकिन हुआ यूं कि जिस दिन ये इलेक्शन था उसके 4-5 दिन पहले ही कुछ लोगों ने कुछ पॉलिटिक्स खेली और न्यूज़पेपर में ऐसा छापना चालू कर दिया कि मैडम क्यूरी तो पोलैंड है, वो फ्रेंच की है ही नहीं, वो कैसे सोच सकती है ये इलेक्शन लड़ने का। और ऊपर से जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो पेरी क्यूरी को मिला था, ये तो बस उनकी असिस्टेंट ही है। तो न्यूज़पेपर में मैडम क्यूरी की निगेटिव पब्लिसिटी होने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, मैडम वो इलेक्शन हार गई। और इस इलेक्शन हारने की वजह से मैडम को इतना दुख हुआ, मैडम ने ये सोचा कि इसके बाद वो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस कभी नहीं आएगी। अब मैडम ने रिसर्च करना शुरू कर ही दिया था, लेकिन हुआ यूं कि 1910 में उनके फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई। तो इसके वजह से अब मैडम क्यूरी बहुत ही लोनली हो गई थी। अब मैडम क्यूरी को समझ नहीं रहा था कि उनके बेटियों का ख्याल कौन रखेगा। तो इस वजह से मैडम और टूट चुकी थी। मैडम बार-बार पेरी क्यूरी के कब्र के पास जाती थी, उनसे बात भी करती थी और काफी रोती थी। अब मैडम को समझ नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए। लेकिन हुआ यूं कि 1911 में
फिर से एक मैडम को गुड न्यूज मिली कि नोबेल प्राइज कमिटी ने उनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज देने का सोच लिया था और इस बार उनके रेडियम के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो इस बात की वजह से मैडम काफी खुश हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि बाकी जो साइंटिस्ट थे उनको काफी प्रॉब्लम थी। तो बाकी साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज कमिटी को एक लेटर लिखा और पूछा गया कि रेडियम के लिए दोबारा नोबेल प्राइज क्यों, क्योंकि रेडियम के लिए मैडम क्यूरी को ऑलरेडी 1903 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। लेकिन इस बात को जस्टिफाई करने के लिए स्वीडिश एकेडमी के प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में ये क्लियर कट बताया कि हम मैडम क्यूरी को क्यों नोबेल दे रहे हैं। और उन्होंने ये बोला कि 1903 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो रेडियम के आविष्कार के लिए उनको दिया गया था, और 1911 में जो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है ये आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए दिया जा रहा है। मतलब इस बार जो नोबेल प्राइज मिल रहा है वो रेडियम को सेपरेट करने के लिए उनको दिया जा रहा है, और रेडियम को सेपरेट करके मैडम क्यूरी ने साइंस को एक नई दिशा दी है, और रेडियम का जो यूज है ये मेडिसिन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हो रहा है, और रेडियम को सेपरेट करने के बाद मैडम क्यूरी ने ये पूरे दुनिया को दिखा दिया कि अभी भी बहुत कुछ मैटर के बारे में समझना बाकी है। इसके बाद मैडम क्यूरी काफी फेमस हो गई और 1911 में एक सोलवे कॉन्फ्रेंस था जिसमें दुनिया के बेहतरीन 30 साइंटिस्ट जमा होने वाले थे, और इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पे बात की जाए। उसमें मैडम क्यूरी भी गई थी और उस वजह से मैडम क्यूरी का जो कॉन्टैक्ट था वो दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट से होने लगा। उसमें एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो मैडम क्यूरी की काफी तारीफ करते थे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ऐसा मानते थे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। और उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन सर और मैडम क्यूरी की काफी अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी, तो इसके वजह से मैडम क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टाइन काफी डिस्कस करते थे कि रेडियम में और एडवांसमेंट क्या किया जाए, मेडिसिन इंडस्ट्री में इसको कैसे लाया जाए। तो इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन सर मैडम क्यूरी के घर पे भी आते थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन सर की फैमिली और मैरी क्यूरी की फैमिली हॉलीडे के लिए भी जाया करती थी। मैडम क्यूरी एक रेडियम इंस्टीट्यूट बनाना चाहती थी जिसका एम ये था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को पढ़ा जाए और केमिस्ट्री की पढ़ाई की जाए, और ऐसे बहुत सारे एडवांसमेंट तरीके भी ढूंढे जाए। लेकिन मैडम क्यूरी के पास उतनी फंडिंग नहीं थी। कुछ दिनों बाद फ्रांस गवर्नमेंट की फंडिंग के वजह से ये इंस्टीट्यूट का काम शुरू हो गया और फाइनली 1914 को ये इंस्टीट्यूट बन गया। लेकिन एक समस्या आ गई थी, क्योंकि 1914 में पहला महाविश्व युद्ध भी शुरू हो गया था और जर्मनी ने फ्रांस पे बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया था। इसी वजह से फ्रांस में पूरा दहशत का वातावरण बन चुका था। मैडम क्यूरी अपने बच्चों के साथ घर में ही रहती थी, लैब में नहीं जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैडम को ये याद आया कि लैबोरेटरी में रेडियम रखा है, अगर गलती से वो रेडियम जर्मन को मिल गया तो जर्मनी फ्रांस के खिलाफ ही यूज करेगा और फ्रांस का विनाश तय है। तो इस वजह से मैडम बहुत चिंतित हो रही थी, और फाइनली मैडम ने यह सोचा कि किसी भी तरह से वो रेडियम को लैब से निकाला जाए और फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिया जाए। जर्मन के अटैक के वजह से फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो पेरिस से शिफ्ट होकर बोर्डो शहर चली गई थी। मतलब ये था कि जो प्रेसिडेंट थे वो बोर्डो शहर में थे। मैडम क्यूरी ने क्या किया, सीक्रेट तरीके से लैब में गई और जो रेडियम था उसको पैक किया और जो मिलिट्री की ट्रेन थी उसमें बैठ गई। अब जो पेरिस और बोर्डो का जो डिस्टेंस है वो 10 घंटे का डिस्टेंस है, तो उन दिनों मैडम ने बिना कुछ खाए पिए वो जर्नी कंप्लीट की और फाइनली रेडियम को सही सलामत प्रेसिडेंट को दे दिया, और फाइनली पेरिस चुपचाप आ गई। जर्मन के अटैक के वजह से जो भी लोग थे वो पेरिस छोड़ के जा रहे थे, और फ्रांस गवर्नमेंट को काफ़ी आर्थिक प्रॉब्लम भी आ रही थी। इसीलिए फ्रांस गवर्नमेंट ने आम पब्लिक को बोला कि उनके पास जो भी गोल्ड और सिल्वर है वो डोनेट कीजिए। लेकिन मैडम क्यूरी के पास इतना गोल्ड नहीं था, लेकिन मैडम के पास जो नोबेल प्राइज के लिए गोल्ड मेडल मिला था वो था, तो मैडम क्यूरी ने वो गोल्ड मेडल फ्रांस गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट ने वो जो गोल्ड मेडल है वो लेने से इनकार कर दिया। अब मैडम क्यूरी ये सोच रही थी कि देश के क्या किया जाए। अब जर्मन्स ने क्या किया, बॉम्ब गिराने के साथ साथ जहरीली गैस भी छोड़ दी। उसके वजह से क्या हुआ, जो बूढ़े और बच्चे थे उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। अब मैडम क्यूरी को समझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। फाइनली मैडम ने बोला कि अब हमें लड़ना पड़ेगा। मैडम क्यूरी ने अपने एक साइंटिफिक फ्रेंड के मदद के वजह से एक फैन बना लिया था, और ये जो फैन क्या करता था, जहरीली गैस को बाहर फेंक देता था। जर्मन्स के अटैक के वजह से फ्रांस के जो सोल्जर है वो इंजर्ड होने लगे थे, और उन दिनों ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी। अब ये काफी चिंता का विषय बन गया था। अब मैडम ये सोच रही थी कि देश के लिए कुछ किया जाए। तब मैडम के ख्याल में ये आया, अगर उनके पास रेडियम होता तो वो कुछ कर पाती, लेकिन रेडियम जो था वो बॉर्डो शहर में रखा गया था। अब मैडम ने क्या किया, सीक्रेट तरीके से फिर से पेरिस टू बॉर्डो शहर गई और वहां से रेडियम लेके पेरिस आ गई। अब मैडम ने क्या किया,
इलेक्ट्रिक पंप के मदद के वजह से रेडियम के अंदर से रेडॉन निकलना शुरू कर दिया। रेडॉन एक नोबल गैस होती है और इस गैस को एक कंटेनर में भर दिया और जो भी सोल्जर इंजर्ड होते थे उनके स्किन के ऊपर ये नोबल गैस छोड़ी जाती थी, जिसके वजह से उनकी जो स्किन है वो ठीक होने लगती थी, क्योंकि रेडॉन गैस का मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। तो इस वजह से मैडम अपने गवर्नमेंट की हेल्प करने लगी थी। उन दिनों क्या हुआ, मैडम को लग रहा था कि और कुछ किया जाए, लेकिन मैडम को समझ नहीं रहा था कि किस तरह से देश की हेल्प किया जाए। तब मैडम के दिमाग में ये आया, सोल्जर बुलेट लगने के वजह से इंजर्ड हो जाते हैं और डॉक्टरों के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि बुलेट की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढी जाए। लेकिन समस्या ये थी कि मैडम क्यूरी को एक्सरे भी नहीं आता था। तो उन दिनों क्या किया, मैडम ने एक्सरे कैसे बनाते हैं, एक्सरे क्या होता है और एनाटॉमी पे काफ़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन बना दी और उसको एक गाड़ी में फिट कर दिया और गाड़ी के जो बैटरी थे उससे कनेक्शन जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये था कि मैडम के पास अब पोर्टेबल एक्सरे था, जहां जहां सोल्जर इंजर्ड हो जाते वहां पे वो गाड़ी जाती और उनका एक्सरे लिया जाता, तो जिसके वजह से डॉक्टरों को एग्जैक्ट बुलेट की लोकेशन पता चल रही थी। उन दिनों और एक समस्या आ चुकी थी कि गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा ड्राइवर भी नहीं थे और एक्सरे निकालने का तरीका मैडम के अलावा ज्यादा लोगों को भी पता नहीं था। तो मैडम को यह समझ गया था कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो मैडम ने क्या किया, बहुत सारे औरतों को जमा किया और उनको रेडियोलॉजी की क्लासेस देना शुरू कर दी, उनको ये सिखाया कि एक्सरे कैसे लिया जाता है और बाकी चीज़ें सिखाने लगी। लेकिन मैडम को और दूसरे चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता था, तो मैडम अकेली गिर चुकी थी। लेकिन उस समय पे मैडम की जो बड़ी बेटी थी आयरिन, वो आई और उसने मैडम को बोला कि आप दूसरे तरफ ध्यान दो, ये जो रेडियोलॉजी की क्लासेस है मैं ये औरतों को सिखाऊंगी, मैं उनको बताऊंगी कि एक्सरे कैसे लिया जाता है। और इस मदद की वजह से फाइनली कंडीशन ये हुई कि 200 ऐसे सेंटर लगाए गए जहां पे एक्सरे लिया जाता है और 20 गाड़ियां रेडी की गई और जहां जहां सोल्जर इंजर्ड होता वहां पे वो गाड़ी जाती और उनका एक्सरे लेते। इस वजह से क्या हुआ कि डॉक्टर लोगों को काफी मदद हुई और एक दिन ऐसा भी आया कि मैडम क्यूरी खुद ही गाड़ी चलाती थी और जहां जहां सोल्जर इंजर्ड है वहां जाती, उनका एक्सरे लेती और डॉक्टर को बताती थी। अब मैडम क्यूरी को रोकना मुश्किल हो गया था, तो मैडम पूरा दिन बिजी रहने लगी थी। और एक दिन मैडम क्यूरी को याद आया कि उनकी जो बड़ी बेटी है आयरिन, उनका 18 बर्थडे था और मैडम क्यूरी भूल गई और इवनिंग में अपने बेटी को बोला, सॉरी बेटा मैं आपका बर्थडे भूल गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन उनकी जो बड़ी बेटी थी उन्होंने ये बोला कि मम्मा आप टेंशन मत लो, आज मैंने एक सोल्जर के बॉडी से 4 बुलेट की लोकेशन फाइंड आउट की, इससे अच्छा मुझे बर्थडे गिफ्ट मिल ही नहीं सकता, थैंक यू कि मैं आपके वजह से देश की सेवा कर पा रही हूँ। आयरिन का जो एटीट्यूड था इसके वजह से सारे लोग आयरिन को नेक्स्ट मैरी क्यूरी भी बोलने लगे थे। जब मैडम गाड़ी चला रही थी तो अचानक एक दिन गाड़ी भी खराब हो गई। अब मैडम को गाड़ी रिपेयर करना नहीं आता था, तो इसके वजह से अब मैडम ये सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। और कुछ दिनों बाद मैडम ने गाड़ी रिपेयर करना भी सीख लिया और लोगों को भी सिखाने लगी। इसका मतलब ये था, मैडम ने एक्सरे बनाने का भी लोगों को सिखा लिया और मैडम के हेल्प के वजह से 150 रेडियोलॉजी टेक्नीशियन भी रेडी हो गए थे। अब मैडम धीरे धीरे देश की सेवा कर रही थी। लेकिन हुआ यूँ कि जर्मनी ने सबमरीन से भी अटैक करना शुरू कर दिया और सबमरीन की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो मैडम और उनके एक साइंटिफिक फ्रेंड थे, इन्होंने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता था और वो जो सबमरीन की लोकेशन है वो भी पता कर सकते थे। तो इस वजह से मैडम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा था। जो फ्रांस के जो सोल्जर थे जो रात में काम करते थे उनको अंधेरे में कुछ खास दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैडम क्यूरी ने क्या किया कि उनके जो वॉचेस थे उनमें रेडियम लगाना शुरू कर दिया, कि जिसके वजह से वो अंधेरे में देख पाते थे और अंधेरे में उनको समय का भी अंदाज़ा होता था। और जो भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट के जो डायल होते थे जिसकी रीडिंग लेना अंधेरे में मुश्किल था उस पर भी रेडियम लगाने लगे, जिसके वजह से उनको रीडिंग भी मिलने लगी थी। मतलब ये था कि मैडम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रांस गवर्नमेंट के लिए वो भूलने लायक नहीं था। मैडम दिन रात यही सोच रही थी कि फ्रांस गवर्नमेंट की कैसी हेल्प किया जाए। और फाइनली फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस के जॉइंट फोर्स के मदद की वजह से जर्मनी को हराया गया और 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया। और जिस दिन ये विक्ट्री की न्यूज़ बाहर आई मैडम क्यूरी अपने घर पे थी और ये न्यूज़ सुनकर इमीडिएटली मैडम क्यूरी मार्केट में गई और रेड ब्लू वाइट कपड़ा खरीद के लाए और उससे फ्रांस का एक फ्लैग बनाया और अपने घर से लहराने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उस दिन मैडम का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और कुछ दिनों बाद मैडम को और एक न्यूज़ आई कि पोलैंड जो देश है वो भी आज़ाद हो गया है और अब मैडम क्यूरी इतना खुश थी और मैडम क्यूरी ने सबको बता था कि चाहे तो आप साइंस से क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैडम क्यूरी का जो करियर था वो पिक पॉइंट पे चला गया था। उन दिनों वॉर के वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोग मर चुके थे। अगर मैडम क्यूरी और उनका एक्सरे
एपरेटस नहीं होता तो ये जो आंकड़ा है ये कहीं ज़्यादा हो जाता। अब मैडम क्यूरी के पूरे दुनिया भर में फ़ैन बन चुके थे, बहुत लोग मैडम क्यूरी को एडमायर करते थे। US प्रेसिडेंट ने तो ऐसा भी बोल दिया था कि ग्रेटेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने तो मैडम क्यूरी की तुलना न्यूटन से भी कर दी थी। न्यूयॉर्क टाइम ने तो ऐसा भी छाप दिया था कि मदरली लुकिंग साइंटिस्ट इन ए ब्लैक फ्रॉक। एक फ्रांस की एक्ट्रेस थी, उन्होंने मैडम क्यूरी को गॉडेस भी कह दिया था। तो इसका मतलब ये था कि अब मैडम क्यूरी को पूरी दुनिया जानने लगी थी। मैडम क्यूरी के साथ साथ उनकी जो बड़ी बेटी थी आयरिन, उनको भी लोग जानने लगे थे और फ्रांस गवर्नमेंट ने आयरिन को मिलिट्री अवार्ड दे दिया था। तो इस वजह से जो आयरिन का कॉन्फिडेंस था वो भी काफी बढ़ चुका था। अब आयरिन सोर्बन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और वो भी अपने माताजी की तरह साइंटिस्ट बनना चाहती थी और रेडियो एक्टिव पे काम करना चाहती थी। अब मैडम क्यूरी ने पूरा ध्यान अपने रेडियम इंस्टीट्यूट की तरफ लगा दिया था। अब हुआ यूं था कि वर्ल्ड वॉर के पहले रेडियम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन 1918 में फ्रांस गवर्नमेंट की हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो इसके वजह से मैडम क्यूरी को जो इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए पैसे लगते थे वो फ्रांस गवर्नमेंट दे नहीं पा रही थी। इसका मतलब ये था मैडम को फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हालत सब तरफ खराब थी तो मैडम को कोई भी फंडिंग मिल नहीं रही थी। मैडम हर गवर्नमेंट को लेटर लिख रही थी, लेकिन हुआ यूं कि फ्रांस में एक बहुत ही रिच आदमी थे, उन्होंने मैडम क्यूरी को लेटर लिखा और बोला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपको फंडिंग दे सकता हूं। तो इस वजह से रेडियम इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रूमेंट आना शुरू हो गए और काम धीरे धीरे शुरू हो गया था। और रेडियम का जो यूज है वो कैंसर में भी होने लगा था, लोग इसको क्यूरियोथेरेपी भी कहते थे। लेकिन अभी भी मैडम क्यूरी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए उनको फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक दिन क्या हुआ, व्हाइट हाउस से मैडम क्यूरी को एक लेटर आया और US के प्रेसिडेंट है वो मैडम क्यूरी से मिलना चाहते थे। तो मैडम क्यूरी US के प्रेसिडेंट को मिलने गए और US के प्रेसिडेंट ने मैडम क्यूरी की बहुत ज़्यादा तारीफ की और सबको बोल दिया कि अगर ऐसी लेडी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और फाइनली मैडम क्यूरी को 1 ग्राम प्योर रेडियम गिफ्ट कर दिया, जिसके वजह से मैडम क्यूरी काफ़ी खुश हो गई थी। कुछ दिनों बाद रेडियम इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके क्यूरी इंस्टीट्यूट रखा गया और ये जो क्यूरी इंस्टीट्यूट है पूरे दुनिया में रिसर्च के लिए काफ़ी फेमस हो गया था। और क्यूरी इंस्टीट्यूट ने 500 से भी ज़्यादा बुक्स रेडियो एक्टिव पे पब्लिश कर दी थी और बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा था। मैडम क्यूरी हमेशा रेडियम को अपने बच्चे जैसा पालती थी और ये मानने से इनकार करती थी कि रेडियम की वजह से किसी लोगों की मौत हो रही है, लेकिन मैडम को ये पता नहीं था कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियम भी कितना डेंजरस होता है। कुछ दिनों बाद मैडम क्यूरी की हालत बिगड़ते गई और मैडम को ठीक से लिखना भी नहीं जम रहा था, उनके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उनको ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा था और कैटरेक्ट की वजह से वो ऑलमोस्ट अंधी हो गई थी। फिर भी मैडम रिसर्च करना चाहती थी लेकिन लैब में नहीं आ सकती थी, वो क्या करती थी कि कुछ जर्नल्स लिखना शुरू कर देती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद हालत इस तरह से हो गई कि मैडम ने सीधा बेड पकड़ लिया था, मैडम को उठना और बैठना बिल्कुल भी जम नहीं रहा था। और एक दिन ऐसा भी आया जुलाई 1934 को, मैडम के बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ने लगा था और मैडम बहुत ही सीरियस हो गई थी। इस वजह से मैडम की बेटियाँ थी वो मैडम के पास आई और मैडम ने सबका हाथ पकड़ा और बोला आई वॉन्ट टू लिव फॉर अ पीस, और मैडम का देहांत हो गया। मैडम के देहांत के बाद कुछ डॉक्टर लोगों ने मैडम के बॉडी पे टेस्ट किया और ये पता करने की कोशिश की कि मैडम का डेथ क्यों हुआ है। फाइनली ये रिवील हुआ कि मैडम की जो बॉडी है वो रेडियम से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आई थी, तो उस रेडिएशन के वजह से मैडम का जो बोन मैरो था वो डैमेज हो गया था और उसके वजह से जो ब्लड सेल्स है वो बनना ही बंद हो गए थे। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। तो रेडिएशन के वजह से मैडम का देहांत हो गया, लेकिन डॉक्टर लोग ये शॉक में थे क्योंकि इतने रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद भी मैडम इतने एज तक कैसे जिंदा रही, ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट थी। मैडम के डेथ के बाद मैडम की जो नोटबुक थी, बुक थी और पेपर थे उनको एनालिसिस किया गया और फाइनली ये पता चल गया कि जो बुक, पेन और पेपर है वो भी रेडियो एक्टिव बन चुके हैं और उसमें से भी रेडिएशन बाहर निकल रहे, मतलब उनको छूना भी बहुत डेंजरस था। इसीलिए मैडम क्यूरी का जो भी सामान था उन सबको एक सील कंटेनर में पैक कर दिया और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि और बहुत सालों तक वहां से रेडिएशन निकलते ही रहेगी। अगर मैडम क्यूरी और कुछ साल जिंदा रहती तो मैडम क्यूरी को और बहुत कुछ देखने को मिलता था, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी थी आयरिन वो भी एक टॉप मोस्ट साइंटिस्ट बन चुकी थी और आयरिन के जो पति थे वो भी एक साइंटिस्ट थे और ये दोनों आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव पे काम कर रहे थे और इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव के लिए 1935 को दोनों को शेयरिंग के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसका मतलब ये था आयरिन क्यूरी दुनिया की ऐसी दूसरी महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन मैडम क्यूरी की जो छोटी बेटी थी ईव, उसको कुछ साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, वो लिखना चाहती थी, म्यूजिक में वो काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी, इसीलिए वो आगे जाके राइटर बनी और वो बिल्कुल भी रेडिएशन में कांटेक्ट में नहीं आती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ईव 100 साल से भी ज़्यादा जी गई, लेकिन जो आयरिन क्यूरी थी उनकी भी डेथ उसी रीज़न से हुई जैसे मैरी क्यूरी की डेथ हुई थी।
ईव क्यूरी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन ईव क्यूरी के जो हस्बैंड थे उनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगर आप फैमिली ट्री देखोगे तो मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था, पेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था, मैडम क्यूरी की जो बड़ी बेटी थी आयरिन क्यूरी उनको नोबेल प्राइज मिला था, आयरिन क्यूरी के हस्बैंड उनको नोबेल प्राइज मिला था, ईव क्यूरी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, लेकिन ईव क्यूरी के हस्बैंड को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। मैडम क्यूरी के रेडियो एक्टिव के वजह से न्यूक्लियर फिजिक्स का जन्म हुआ और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मैडम क्यूरी की वजह से मॉडर्न साइंस निर्माण हुआ। मैडम क्यूरी का जीवन काफ़ी महिलाओं को प्रेरणा देके गया। एक समय ऐसा था जब कोई भी लेडीज़ पढ़ने के लिए आगे नहीं आती थी। अब इस तरह से हाल हो चुका था कि हर यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के लिए एजुकेशन ओपन कर दिया था। अब हर महिला पढ़ना चाहती थी और बहुत सारे महिलाओं का फेवरेट टॉपिक होता था केमिस्ट्री। अब ऐसे बहुत सारे महिला थी जो मैडम क्यूरी जैसा बनना चाहती थी और मैडम क्यूरी को याद करने के लिए उनकी फोटो नोटों पे छपने लगी थी, स्टैम्प कार्ड पे छपने लगी थी, कॉलेज का नाम मैडम क्यूरी रखा गया था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मैडम क्यूरी को याद करने के लिए किया गया था। मैडम क्यूरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से तो लड़ना पड़ेगा और मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता जरूर है, और जिस देश में रिसर्च नहीं होता वो देश कभी प्रगत नहीं होता। 1944 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने एक नया रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट ढूंढ निकाला था जिसका नाम रखा गया क्यूरियम। फ्रांस ने अपने हीरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया था जिसका नाम था पैंथियन, और फाइनली मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी की एशेस वहां ट्रांसफर किए गए और उनके नीचे लिखा गया ग्रेट मैन फ्रॉम अ ग्रेटफुल कंट्री। और मैडम क्यूरी दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिनको ये रिस्पेक्ट मिला था। मैडम क्यूरी हमेशा बोलती थी कि ग्रेट डिस्कवरी रिक्वायर्ड ग्रेट सैक्रिफाइसेस।